नाभा की शहीद भगत सिंह वैलफेयर सोसायटी के वालों शहीद भगत सिंह के जन्मदिन में समर्पित तीसरा कबड्डी टूरनामेंट कॉलेज ग्राउंड नाभा विखे करवाया गया। इस टूरनामेंट के हलका इंचार्ज अकालीदल बाबू कबीर दास, पंजाबी गायक हरजीत हरमन और प्रीत कंबाइन के MD विशेष तौर पर पहुंचे। इस टूरनामेंट के हरियाणा पंजाब के वख-वख खेत्रां के खिडारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर आए हुए मुख्य मेहमान ने खिडारियों के साथ मुलाकात की। इस टूरनामेंट में पहला इनाम 51,000 और दूसरा इनाम 41,000 रुपये रखा गया। इस मौके प्रेस नाल गलबात करने बाबू कबीर दास, गायक हरजीत हरमन, प्रीत कंबाइन के MD सोसायटी के प्रधान परमजीत सिंह तुही ने दसा कि तीसरा कबड्डी टूरनामेंट करवाया गया। उन्होंने कहा कि सोसायटी ने बहुत ही चंगा उपराला किया, इस दिन नौजवानों को खेडों के वल प्रेरणा मिलेगी। अकाली दल के नाभा तो हलका इंचार्ज बाबू कबीर दास कांग्रेस सरकार से नवजोत सिद्धू से निशाना साधते हुए कहा कि सिद्धू के अस्तीफे ने सारी कांग्रेस पार्टी में भंगड़ा पवा दिता है। क्लब वालों ये 14वां जिहड़ा कबड्डी कप कराया जा रहा है, ये मैं समुची जिहड़े साडे परमजीत सिंह जी प्रधान ने समुची इन्हां दी टीम खड़ी है अपने नाल, मैं इन्हां नूं वधाई देना क्योंकि चंगी सेहत वास्ते आपां नूं खेडां दा उपराला करना बहुत जरूरी है। खेडां दे उपराले नाल इक तां बच्चों की सेहत वधिया बनती है, दूजा बच्चे जिहड़े नशियां तों दूर हुंदे ने, और जिहड़ी कबड्डी पंजाब दी साडी विरासत दी इक खेड है, एक तो असी अपने पंजाब की विरासत को जिंदा रखते हैं और दूजा जिहड़े साडे नौजवान गभरू ने उन्हां दी सेहत साडी वधिया हुंदी है। सो मैं सारे समुचे शहीद उधम सिंह क्लब नूं वधाइयां दिंदा भी इसे तरह ही जिहड़े ये कार्य लगातार करते रहन, इन्हां नूं बहुत बहुत मुबारक। अज दे नौजवान नूं मैं यही बेनती करनी चाहना कि सानू नशियां नूं छड्ड के अपनी वधिया सेहत बनाउणी चाहीदी है, वधिया एजुकेशन लैनी चाहीदी है तां कि असी अपने सूबे तों बाहर भी जे वधिया एजुकेशन प्राप्त करांगे तां असी किते पामा फॉरन च भी जाइए थोड़े सामने वो भी एजुकेशन नाल वधिया हाईलाइट्स टेस्ट हुंदे ने और वधिया सेहत हुंदी है तां ही असी पंजाब नूं अगे लै जा सकांगे। वास्ते जरूरी है थोड़ी और एजुकेशन। देखो जी ये पहले ही असी तो प्रधान जी साडे कहिंदे आ रहे, असी भी कहा थी भी ये जिस दिन इन्हां दी मिनिस्ट्री हो गई उस दिन इन्हां दा भंगड़ा पै जाणा, वो अज थोड़े सामने भी नौजवानों खेडां कराउणे चाहीदे ने, नशियां तों दूर रह के अपने पंजाब दा अपने देश दा नाम रोशन करना चाहीदा। जिहड़ी खेड आ खेड प्रेमी जिहड़ा खेड नाल जुड़ा वह एक अपने इलाके का एक अपने देश का नाम रोशन करता। असी कहने भी सारे नौजवानों भी खेडा वाल जुड़न। तीसरा कबड्डी कप्पा रेगूलर चलता भगत सिंह के जन्मदिन समर्पित ये शहीद भगत सिंह वैलफेयर क्लब ने जिहड़ा कबड्डी का टूरनामेंट कराया, एक तो पंजाब की जवानी नूं सेहत नूं संभालण दी टूरनामेंटा का मैं समझदा बहुत वड्डा योगदान आ, तो दूजा करोने तो छुटकारा मिलिया तो थोड़ा जिहा सानूं आप घूमण फिरन नूं ये खेड कबड्डी खेड देखण नूं मौका मिलिया। सो मैं सारे क्लब के मैंबरां नूं वधाई दिंदा। की मैसेज देना चाहुंगे इस दिन ते मैसेज नौजवान बहुत सियाणे आ जी, बस यही आ भी अपनी सेहत संभाल के रखो, तो जे सेहत है तो सब कुछ है। सब तो पहला तो मेरे वीर परमजीत सिंह बहुत बहुत बधाई देना जिन्होंने इन्ना सोहना कबड्डी कप जो कि नाभे दे विच हो रहा वो सारे प्रोग्राम इन्होंने इस बार कर रहे हैं, मैं इन्हों अपने दिलों बधाइया देना। नौजवानों मैं यही मैसेज देना चाहाँगा कि साढ़े जो पंजाब की माँ खेड कबड्डी कप उन्होंने अपन प्रफुल्लित करना चाहिए, वो तो बाद नौजवान इस खेड न जुड़न ता कि जी सा कबड्डी टीम है कबड्डी जी गेम है वो तुम पहला देखे साड़ी श्रोमणी अकाली दल की सरकार रही है तो साड़ी सरकार ने बहुत ज़्यादा ये गेम को प्रफुल्लित किया, पर जो पिछले 5 साल दौरान ये गेम को अखों बरोखे किया गया वो सरकार नहीं जी कांग्रेस सरकार है वो वधिया गल नहीं हैगी। मैं यही आस करता भी जी अगले 3 महीनों बाद सरकार बनेगी साड़ी उस असी दोबारा इस गेम को उपर चकांगे। पिछले 2012 तो लैके 2017 तक साड़ी जिहड़ी कंपनी है वो इस खेड की हमेशा ऑर्गेनाइजर और असी ये ऑथोराइज की कह सकते हैं आप आयोजित रहे हैं, असी हमेशा बेस्ट लीडर ते बेस्ट जाफी नूं ट्रैक्टर दिते ने और आस करते हैं भी साड़ी सरकार आने असी दोबारा वो चीज़ जिहड़ी हैगी दोबारा शुरू।
ਆਵਾਜ਼ੀ ਕੌਮ ਟੀਵੀ ਲਈ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।